ये हेउछंती असहाया आउ अनाथ भी ना मिनती बयस 42 यांको दुख जानिले आपण भी व्यथित हेबे 11 वर्ष तले बापा चली गले परपारिको आउ एबे मा एकुटिया करी मिनती को उभे छाड़ी चली गले आउ एबे घोर अंधकार रे कटुची बेसहारा मिनती को जीवन आहापदे कहिबाकू पाखरे केही नांती सेथिरे पुनी रोग दाउ सचिची मने हुचि सते जिमिति बोझ उपरे ललिता बिडा सदृश भली बापा मां को हराई रोगाग्रस्त होई अति दुख कष्ट रे जीवन बिताउथिबा मिनती एबे बंची बापाई राह खोजुची निजर औषध खर्च और मासिक खर्च पाई असहाय होई पड़िथिबा मिनती पाखरे एजाए कोनोसी प्रशासनिक सुविधा पहुंची पारिनि हाँ आज्ञा आमे कहू भद्रक जिला भंडारी पोखरी ब्लॉक अंतर्गत रहणिया ग्रामर 42 वर्षिया महिला मिनती दास को कथा ट्यूमर अब नाई मा नाई नहांती मैं हाथ भी जर मत भर्ता खंडे कर दिखा रोग पैसा कि चाहिए साहय कर मिनती एवं आकाशमारी बात आउ ब्रेस्ट ट्यूमर पीड़ित एथिपाई विवाह करना से एते कष्टरे जीवन बिताउथिले सुद्धा सरकारी सुविधा कहिले कोठाघर संग को अंतोदय कार्ड रे मासिक 35 किलो चावल जहा सेतिकी एतिकिरे जेउठी खाई पी बंचिबा मुश्किल सेइथिरे औषध ओ घर खर्च केमिति करिवे से पनाई के मा नाही आउ एक रे बात आ इरम परिस्थिति हैरान होई चल जी खंडे कल खाली चावल खंडे पाइले चलिवो ना से आ किछ सरकारी सहाय्य करले कि भत्ता पत्ता खंडे करि देले से चलनता एय आउ अभी तो लाइन बाला तो लाइन काट देले पैसा पत्र देला नै लाइन भी काट देले आई एकदम परिस्थिति हैरान रे चलु छ आउ एपटे जमी बाड़ी जहां भी किछि थिला से सब चिकित्सा पाई बिकी भांगी सालेनी एबे जहां पड़ोसी और संपर्कियो हाथो टेका को चाहि बसी छंती मिनती खाली एति कि नहि मिनती अविवाहित थिले सुद्धा आज जाय तांको अविवाहित भत्ता खंडे मिलि पारिनी तबे एभली परिस्थिति रे यथाशीघ्र मिनती को खंडे अविवाहित भत्ता मासिक औषध खर्च चिकित्सा व्यवस्था समेत मागणा विद्युत व्यवस्था करबा को स्थानीय बासिंदा दाबी करिछंती तंगर बापा ना गरीब झटे तंगर बापा 10-12 वर्ष लानी गलेनी एबे भी वर्ष तले तंग मां चली गले वर्तमान था खाइया पिंधा खाली सरकारी सहाय्य हिसाब रे से चावल गंड आउ किछ नै उरे झियो छुआ इत्यादि खर्च सब रहउची ତା ଭିତରେ ତା ରୋଗ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁମର ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆକାଶମାରୀ ବାତ ପଇସା ଆମର ସାହି ଲୋକ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଏକୁ ତା ପାଖରୁ ମାଗିକି ଟିକେ ଔଷଧପାତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତା ସମ୍ବଳ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ କ'ଣ ଝିଅ ଛୁଆଟା କ'ଣ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଉଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବେ କି ତାଙ୍କର ମା ବାପା ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ନିଆଶ୍ରା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଭାବ ଭିତରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ପାଖରେ ମୁଠାଏ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ କେମିତି ଦିନ ଦ୍ୱିପର ଔଷଧ ପାଇବେ ଏବଂ କିପରି ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ ଆଉ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ବା କୌଣସି ସଂଗଠନ ବା ମୁଁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କରୁଛି ତେଣୁକରି ଯେ ନିବେଦନ ଏତିକ ଯଦି ଭତ୍ତାଟା ହେଇପାରନ୍ତା ସେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ବି ପଳେଇପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ନିଜେ ବି ଚଳିପାରନ୍ତେ ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।